तो ही व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे गेमिंग चैनल पे और साथ ही साथ GTA 5 की एक और नई वीडियो को लेके आ चुका है आपका भाई। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो रहने वाली है ना, वैसे अपने थंबनेल वगैरह चेक कर लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना भाई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बहुत बड़ी। दोस्तों, कई बार आपने गेम खेलते हुए, आप जब गेम खेल रहे होगे तो रैंडमली आपकी गेम क्रैश कर जाती होगी और आपको कुछ इस तरीके का एरर दिखाई देता होगा, या फिर अगर आपने कोई मोड इंस्टॉल किया अपनी GTA 5 में और अब आप अपनी गेम ओपन कर रहे हो तो भाई वो गेम चल नहीं रही। जस्ट उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो, एकदम से एक पॉपअप होता है मैसेज और कुछ इस तरीके का पैटर्न 15 एरर करके आपको शो हो जाता है। दोस्तों, इसका सलूशन क्या है और ये आता क्यों है एरर? दोस्तों, ये बेसिकली क्यों आता है, ये दोस्तों कई बार होता है आपकी GTA 5 में जो स्क्रिप्ट हुक हुई है वो काम करना बंद कर देता है और पैक फाइल लिमिट एडजस्टर नाम की एक फाइल होती है जो कि आपकी GTA 5 में जो मोड्स की लिमिट होती है या फिर स्क्रिप्ट की लिमिट होती है उसको बैलेंस करके रखती है, वो जो है काम नहीं करती। दोस्तों, इसका जो सोल्यूशन आपको वीडियो में बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, आप कुछ मोड्स होती हैं आप सीधा डायरेक्टली आप उसको इंस्टॉल मत कीजिए, पहले उसको देख लिया कीजिए कि वो मोड आपकी GTA 5 के लिए सेफ है या नहीं है। कई बार हमें क्या होता है, हम जल्दी में होते हैं और कुछ ऐसी फाइल्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि आपकी गेम में वायरस या फिर क्रैश फाइल्स लेके आ जाती हैं। तो दोस्तों, पहले एक बार मेक श्योर कीजिएगा कि आप कोई भी अगर मोड इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको देख के कीजिए कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कर रखी हो, तभी आप इसको इंस्टॉल कीजिए। लेकिन फिलहाल तो बढ़ते अपने सोल्यूशन की तरफ, सिंपली आपको कुछ दो स्टेप्स को फॉलो करना है और दोस्तों उसके बाद आपकी जो इशू वो बहुत सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्क्रिप्ट हुक वी और पैक फाइल लिमिट एडजस्टर। ये रहा स्क्रिप्ट हुक वी और पैक फाइल लिमिट एडजस्टर, और साथ ही साथ स्क्रिप्ट हुक वी, ये दोनों फाइल जो आपको GTA 5 मोड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगर आपको लिंक चाहिए होगा, मैं आपको डिस्कॉर्ड पर प्रोवाइड कर दूंगा अपने मोड लिंक्स वाले सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, इन दोनों को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन गाइज, एक और नया डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर भी क्लिक करते रहे और दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। जो दूसरी स्क्रिप्ट हुक वी की फाइल है, इसको आप डाउनलोड पर जैसे क्लिक करोगे ना, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एक नए पेज पे जो कि है स्क्रिप्ट टू क्वी के डेवलपर्स का पेज। आपको लेटेस्ट स्क्रिप्ट टू क्वी डाउनलोड करना है, यहाँ पे लेटेस्ट वाला है, ये देखिए ये आया है 18 दिसंबर को, अभी रिसेंटली ये अपग्रेड किया गया है डेवलपर्स की तरफ से। तो आपको सिंपली ये डाउनलोड कर लेना है, ये वाला डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करके, आपको डाउनलोड SDK नहीं करना, आपको नॉर्मल वाला डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, मेरी दोनों फाइल्स डाउनलोडेड हैं और मैंने इनको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है, ये रहे मेरे दोनों फाइल्स का फोल्डर, इनको करेंगे हम इंस्टॉल। GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ओपन कर लेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करके और ओपन फाइल लोकेशन पे चले जाएंगे। अगर आपको नहीं पता आपकी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी कहाँ है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास एपिक गेम्स या स्टीम गेम्स का अकाउंट है तो सिंपली आप अपने उस फोल्डर में चले जाइएगा, अगर जहाँ पे भी आपने अपने एपिक गेम्स या स्टीम गेम्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा जोन सी भी ड्राइव में, वहाँ आपका एक अलग फोल्डर बन गया होगा एपिक गेम्स का और स्टीम लाइब्रेरी का। उसके अंदर आपको ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का एक फोल्डर मिलेगा, आप उसको जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके की लिस्ट खुल जाएगी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी की। अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं स्क्रिप्ट हुक वी को, बस ओपन करना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट हुक वी इंस्टॉल करेंगे, राइट साइड मेरा स्क्रिप्ट हुक वी है और मेरी लेफ्ट साइड जो है मेरी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी है। जैसे आप स्क्रिप्ट हुक वी का फोल्डर ओपन करेंगे, बिन वाले फोल्डर में चले जाएंगे और तीनों फाइल्स को आपको उठा के कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप में आप कॉपी और पेस्ट कर दीजिएगा अपनी GTA 5 में। फोल्डर से कॉपी करके अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में आपको पेस्ट कर देना है, तो आपका स्क्रिप्ट हुक भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल करते हैं हम अपना पैक फाइल लिमिट एडजस्टर, वो भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है। ओपन करेंगे और यहाँ पे जो आपकी .asi और पैक फाइल लिमिट एडजस्टर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वाली फाइल को आपको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि कॉपी पेस्ट कर देना है और रिप्लेस कर देना है अपनी पुरानी फाइल्स के साथ। बस गाइस, इतना सा काम था, आपकी जो सोल्यूशन है वो हो चुका है, आपकी गेम में आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुकी होगी। आप जाके आराम से अपनी GTA 5 में ओपन कीजिए और अपने जो पैटर्न 15 वाला एरर है इसको सॉल्व हो चुका है 101%। अगर आपके बाय चांस फिर भी इशू आता है दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, एक बार अपनी GTA 5 की जो मोड है उसको डिलीट करके अपनी गेम को रीमोड कर लो, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कुछ फाइल्स डिलीट हो जाती हैं जिस वजह से हमारी गेम क्रैश मारती है। एक बार अपनी GTA 5 में से मोड्स का फोल्डर हटा के अपनी गेम को चला के देखो, अगर आपकी गेम चल जाती है तो इसका मतलब आपके मोड्स के फोल्डर में कोई ना कोई इशू आ चुका है, आपको सिंपली उसको डिलीट करके अपनी GTA 5 को दोबारा से मोड कर लो। बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, ये एक इशू बहुत ज्यादा लोगों को दिखाई दे रहा था, बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे थे। दोस्तों, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान था, मैंने आपको वीडियो में बता दिया। फिलहाल तो मिलते हैं आपको ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई के चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर देना और लाइक कर देना बड़ा सा एक वीडियो को। फिलहाल तो मिलते हैं आपको ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों इजाजत चाहूंगा आप सभी से, साइनिंग आउट एंड पीस आउट, बाय बाय।